अभी जो ये सब जो पंचांग है ना, जो जनरल जो पंचांग है, इसमें लिखा होता है लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्ट में कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यति। यद्यपि मांगलिक दोष बड़ा ही डिस्टर्बिंग दोष है, उसकी मान्यता है गजब की है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जानते हैं लोग सामान्य रूप से सात बातों को, ये पत्रिका मांगलिक, ये नहीं होगी शादी, शादी लोग बता काट दिए, सब हटा दिए। आगे 32 प्रकार की जो बातें हैं, केवल सात प्रकार के बातों में सब कुछ खत्म कर दिया। अगत्य संहिता कहती है लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्ट में कुजे भार्या भर्तु विनाशाय भर्तुष्य स्त्री विनाशनम। देन इसके बाद मानसागरी की बात किया जाए, बड़ा ही प्रमाणिक पुस्तक है, गजब की प्रमाणिक पुस्तक है, पढ़िएगा। इतनी मोटी सी पुस्तक आती है, बहुत आपको आनंद मिलेगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान उसके अंदर छिपा हुआ है। मानसागरी कहती है धने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्ट में कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यति। और बृहद ज्योतिष सार जिसको मैं अपने बचपन में पढ़ा करता था, लग्ने व्यय चतुर्थे च सप्तमे व अष्टमे कुज भर्तारम नाशयेत भार्या भर्ता भार्या विनाशेत। इसका सबका भी मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल भी बताऊंगा। देन इसके बाद भावद्वीपिका एक बड़ी ही प्रमाणिक पुस्तक है मित्रों, वहां पे कहा गया है लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे स्त्री नाम भर्तु विनाशः स्यात् पुंसाम भार्या विनश्यति। अब बृहत पराशर होरा शास्त्र जो कि गजब की प्रमाणिक पुस्तक है, उसकी प्रमाणिकता निश्चित रूप से निसंदेह है। जितने भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं सारे लोगों ने उसको पढ़ा होगा। लग्ने व्यय सुखे वापी सप्तमे वा अष्टमे कुजे शुभ द्वग योगहीने च पतिम हंति न संशयः। पति हंतिम का मतलब यदि पति है तो पति की हत्या होनी है, हत्या का मतलब मृत्यु होना पहले, और यदि पत्नी है तो उसका पहले मृत्यु होना है, ये है। लेकिन मित्रों ये तो साधारण सी बातें हो गई, क्योंकि इन पुस्तिकाओं को भारतवर्ष के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर लिखा गया था। किसी ने उसको चतुर्थ कहा, किसी ने सुख कहा, किसी ने दूसरा स्वरूप किया, किसी ने माता का स्थान दिया, क्या फर्क पड़ता है। भाव के अलग अलग रूप, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ज्ञान दिया। लेकिन जो प्राचीन शास्त्र हैं उन्होंने जो मांगलिक दोष का विचार कर रखा है, उन्होंने कहा है कि लग्न के साथ साथ, लग्न से, लग्न पत्रिका से तो विचार करो, लेकिन उसके साथ साथ चंद्रमा से, शुक्र से तथा अष्टम भाव के स्वामी से भी उसका विचार करना चाहिए। क्या कहा, लग्नेन्दु शुक्रेन्दु यद्यस्ति चित संभव तद शापाक समय दोषम आहु मनीषिण। लो हो गई सारी बात। तो ये है मित्रों मंगल के बारे में, उसमें भी मंगल स्वग्रही है, मंगल नीच का है, मंगल गुरु के साथ बैठा हुआ है, मंगल को शनि देख रहा है, तमाम प्रकार के ऐसी बातें जिसको कि मांगलिक दोष स्वतः मुक्त हो जाता है। कोई अपने घर में बैठा हुआ तो क्यों बवाल मचाएगा, बताओ आप, तो पागल होगा ना कि अपने घर में कोई आग लगा दे। एक लाइक देना, एक से ज्यादा मत दे देना, नहीं तो फिर जीरो हो जाएगा।